आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के पड़ोसी राज्य, ठीक है, और जिले। नोट्स मेथड में लिख रहे हैं, बिल्कुल। अब सबसे पहले आप लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो दो होती है इसमें, लिखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 20 किलोमीटर, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर, बिल्कुल। अब देखो 1070 किलोमीटर, अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई भी कितनी है? 1070, ठीक है, लिखो। और इसके आगे लिख दो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई और भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा भी 1070 किलोमीटर भी बनती है, क्योंकि जितनी रेड क्लिफ है उतनी भारत पाकिस्तान की सीमा है, बॉर्डर। तो ऐसे अब क्वेश्चन चेंज करता है तरीका सेम। ठीक है, अब लिखो रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई, ये तो राजस्थान में है, ठीक है। अब लिखो रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई है 33.10 किलोमीटर में। हाँ, रेड क्लिफ, क्योंकि पंजाब में निमा उसमें, कुल लंबाई है 33.10 किलोमीटर और राजस्थान में 1070, ठीक है। अगली बात समझ में, अब देखो लिखो रेड, अब इसके आगे लिखना सबसे ज़्यादा रेडक्लिफ रेखा 1216 किलोमीटर जम्मू कश्मीर, 16 किलोमीटर जम्मू कश्मीर, 1070 राजस्थान, इसके आगे ही लिखना कंटिन्यू में, फिर 514 किलोमीटर पंजाब, 510 गुजरात, अगली बात समझ में। और लिखो गुजरात में न्यूनतम, अगली बात समझ में, ठीक है। अब लिखो आगे राजस्थान के सबसे निकट, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान के सबसे निकट अरब सागर है 400 किलोमीटर दूर, ठीक है, बिल्कुल। और सबसे निकटतम बंदरगाह
दीनदयाल ओब्लिक कांडला बंदरगाह, लिख लिया? और लिखो, सबसे निकट का तट है, निकट तट क्या नाम है भाई? कोकण तट या कहाँ क्या बात या कोकण एक ही बात है? ठीक है, कोकण तट या कहाँ क्या बात? ये तीनों ही राजस्थान के सबसे निकट है। सीमा पूछे चाहे सागर पूछे। खाड़ी हाँ, लिख लो बोली। राजस्थान के सबसे निकट की खाड़ी खंबात की खाड़ी, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पॉइंट हम लिखना, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, सर सिरिल रैडक्लिफ नामक वकील, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। निर्धारण जिसे रेडक्लिफ अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। समझ आ गई बात? अभी तक कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब लिखो, रेडक्लिफ रेखा की सुरक्षा का जिम्मा BSF को। अब मैं वो चीज़ लिखा रहा हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में, पिछले परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना। लिखो, भारत व पंजाब की सीमा के निर्धारण के लिए, भारत व पंजाब की सीमा के निर्धारण के लिए भारत व पंजाब की सीमा के निर्धारण के लिए जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस मेहरचंद महाजन और दीन मोहम्मद, मोहम्मद मुनीर और मोहम्मद मुनीर, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, भारत और पंजाब के, सॉरी राजस्थान और पंजाब के बीच में भी सीमा विवाद हो गया था। ठीक है ना, तो इसलिए इनको नियुक्त किया गया था। अब लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना, बंगाल की सीमा निर्धारण के लिए, बंगाल की सीमा का निर्धारण के लिए सी विश्वास। मैम ऐसे लिखना, देखो, सी विश्वास और बीके मुखर्जी, सुले मोहम्मद अकरम, कोमा करके, सुले मोहम्मद अकरम, एस ए रहमान, हो गया भाई? हाँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं किसने के, चाहे मान लो SSC में या कहीं पर भी, चाहे CTET में भी मान लो,
ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही लेवल का है, टफ क्वेश्चन है कि भारत और सॉरी राजस्थान और पंजाब के जो सीमा विवाद हुआ था तो उसमें ये कौन थे, और भारत पाकिस्तान का रेड क्लिप का जो हमने बताया 14 अगस्त 1947। ठीक है, अब लिखो आगे, ये चीज़ आप समझ आगे भाई कि राजस्थान की रेड क्लिप, राजस्थान में रेड क्लिप लंबाई 1070 किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है, जो लिखो रेड क्लिप रेखा 1070 किलोमीटर जो 4 जिलों में। अब इसका क्रम ध्यान रखना, ठीक है, सबसे पहले कौन सा भाई, गंगानगर, गंगानगर, फिर कौन सा भाई, हाँ बीकानेर, हाँ भूलो मत भाई, बिल्कुल याद होना चाहिए, और जैसलमेर, और बाड़मेर। ठीक है, और इन चारों जिलों की जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। सही बात है भाई। अब देखो ये तो बात हो गई ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि देखो श्री गंगानगर की कितनी है भाई, 210 किलोमीटर। आगे देखो ब्रैकेट में दे रखी है नोट्स में, ठीक है, बीकानेर में 168, जैसलमेर में 464, और बाड़मेर में, बाड़मेर में तो अब देखो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है। सबसे कम श्रीनगर की लगती है, मैम नहीं है बीकानेर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हाँ तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर, ये इसी क्रम में अभी लिख दो, ठीक है, और सबसे कम, और इसका क्रम पूछे आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो देख लो जैसलमेर 464 किलोमीटर, फिर बाड़मेर 268, फिर श्री गंगानगर 210, और बीकानेर का है 168, अब आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम पूछे वो थोड़ा देख ले, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा इस फॉर्मेट में लिखना है आपको। अगली बार समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखना पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सर्वाधिक नज़दीक मुख्यालय, पाकिस्तान सीमा पर स्थित, पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है, निकट जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर। ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल, और सर्वाधिक दूर है बीकानेर, अब देखो ये जिला मुख्यालय है, मैं जिला मुख्यालय है, ठीक है, पाकिस्तान के पास। अब लिखो पाकिस्तान के पास या निकटतम जिला पूछ लेना,
तो जालोर। देखो मैं, जिला पूछे तो जालोर और जिला मुख्यालय पूछे ना श्रीगंगानगर, हम तो इस फर्क है। मुख्यालय आगे बात समझ में? अब लिखो आप आगे, और सर्वाधिक दूर जिला दूरस्थ। हाँ, सबसे क्षेत्र पर सबसे छोटा जिला सूर्य सबसे पहले यही होता है। पूर्व का राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये इनकी सब विशेषता है। गंगा नियाल टावर, घंटा घर वाला सुनाते हैं, नियाल टावर। ठीक है, अब लिखो। सोनागढ़ बिल्कुल। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखना अंतर्राज्यीय जिले। ये तो अंतर्राष्ट्रीय की बात हो गई। अंतर्राज्यीय अब अंतर्राज्यीय यानी जैसे भारत के अंदर अंदर ही पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, अब लिखो अंतर्राज्यीय सीमा। तो मुझे एक चीज़ बात बताओ कि राजस्थान की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है भाई? पांच। अब इसका आरोही अवरोही क्रम सीक्वेंस में ही लिखो। ठीक है, जो जो मैं कहूँ जो आप बोलोगे ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे एक मिनट, राजस्थान तो के, अरे रुको भैया, राजस्थान के पांच राज्यों से सीमाएं टच। मिलती है अब सबसे ज्यादा सीमाएं किससे मिलती है भाई? एमपी से 1600 किलोमीटर। ठीक है, फिर हरियाणा, उसकी है हाँ, फिर गुजरात गुजरात कितनी है भाई? है 1022, हाँ, फिर यूपी यूपी, यूपी की कितनी है भाई? 877 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। और अंतिम पंजाब, पंजाब सबसे कम 89। इस फॉर्मेट में लिखना, आगे बात समझ लें ताकि याद आसानी से हो जाए। फर्स्ट और सेकंड तो याद है। फर्स्ट सेकंड और सेकंड भी देखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब ये भी पूछने लगे जैसे रिट जैसे एग्जाम में, ग्राम सेवक एग्जाम में, एलडीसी में, ये पूछते हैं फर्स्ट सेकंड नंबर आगे से और फर्स्ट सेकंड नंबर पीछे से, ये ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? इसके बाद देखो जो डीपी जी देगी उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो जिले कौन से कहाँ डीप नहीं पूछा, पर एलडीसी में और नहीं पूछता किसी भी एग्जाम। ठीक है, अब मैं वो चीज़ें लिखा रहा हूँ जो परीक्षा में इनके रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डीपली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, विशेष वो मैं लिखा रहा हूँ, ध्यान से लिखे आप। लिखो सबसे पहले, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा पर स्थित जिलों की कुल संख्या। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य जिलों की संख्या 25। जिलों की संख्या मैम कितनी है? 25। पेज नंबर 98 पर यूपी के, हाँ नोट्स वाले बुक। ठीक है, देखो जल्दी। ठीक है, अब लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट, पूर्णतः अंतर्राज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 21। कौन सा राज्य
की सीमाओं पर स्थित हाँ 21 ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं किसी के एग्जाम, ठीक है ना, बिल्कुल। अब लिखो आगे लिखो, हाँ राजस्थान के दो राज्य, हाँ राजस्थान के दो जिले राज्य, कोई बात नहीं, दो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से है भाई, बाड़मेर, सॉरी बाड़मेर और गंगानगर। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट ना, केवल इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते, सॉरी हाँ केवल इंटरनेशनल जो बॉर्डर बनाता है ना वो केवल दो है, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है लिखो, ये तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दो जो मतलब सीमाएं बनाते हैं, कौन, बाड़मेर और श्री गंगानगर, मगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो केवल बीकानेर और जैसलमेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ ले तो केवल बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राजस्थान के चार ऐसे जिले, राजस्थान के चार ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो जिला है वो है हनुमानगढ़, 94 में बना था भाई हनुमानगढ़, नहीं 94 में बना मैम, 94 में था हनुमानगढ़, 94 में बना था, आप आपस याद कर लेना, नोट्स देखना, हनुमानगढ़ है जो 94 1994 में बना था, धौलपुर बना था 82 में, ठीक है। अब देखो हनुमानगढ़ एक तो बनाता है भाई पंजाब के साथ बॉर्डर, पंजाब प्लस हरियाणा, साथ साथ में बोलते रहें ताकि क्वेश्चन याद हो जाए, नोट्स के साथ रहे, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है भाई, भरतपुर है, हाँ भरतपुर, हरियाणा, यूपी, ठीक है, और धौलपुर, यूपी एमपी, और हाँ बांसवाड़ा जो है एक तो गुजरात और एमपी के साथ, और ये चार ही है, लिख लो जल्दी, लिख लिए, लिखो जल्दी, ठीक। मेन मेन चीज़ें लिखानी है तो क्वेश्चन आने योग्य है। अब देखो ये तो हमने लिखा दिया, सिविल देश सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखो राजस्थान के वे आठ जिले, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राजस्थान के वे आठ जिले जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, लिखो जल्दी, राजस्थान के वे आठ जिले जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न अंतर्राज्य, न तो इंटरनेशनल न इंटर स्टेट बॉर्डर मेंटेन करते हैं, उनकी संख्या आठ है। और एक ऐसा कैसा क्वेश्चन और है, लिख लो, हाँ पाली एक ऐसा जिला है जो आठ जिलों से सीमाएं बनाता है। अब पाली के बाद किसका टर्न आता है भाई, जो अभी रिट में क्वेश्चन पूछा गया था, नागौर,
फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड ऐसे क्वेश्चन, ठीक है लिख लो। रिट 2021 में नागौर के बाद ऐसा कौन सा जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमाएं बनाता है? नागौर, पाली के बाद। हाँ पाली के बाद, ठीक है बिल्कुल। अब लिखो आप आगे। अब ये कौन कौन से जिले हैं जो किसी भी से, हाँ तो लिखो, एक तो लिखो अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली। लिखो लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पाली सर्वाधिक 8 जिलों से सीमाएं बनाता है। और पाली के बाद नागौर, पाली के बाद किसका टर्न आता है? ये क्वेश्चन अभी पूछा, 7 जिले ये फर्स्ट लेवल 2021 में, फर्स्ट लेवल में आया। ठीक है लिखो नेक्स्ट पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 38,401 किलोमीटर, किलोमीटर। और सबसे छोटा धौलपुर 30-33 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछ गया एग्जाम में, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ आप राजस्थान का आकार, बड़े अक्षरों में लगाओगे बीच में, राजस्थान का आकार, ठीक है बिल्कुल। लिखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखो राजस्थान का आकार में राजस्थान का आकार कैसा है भाई? पतंगाकार या चतुष्कोण, समचतुर्भुज। हाँ बिल्कुल। लिखो राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार पतंगाकार ऑब्लिक विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अब क्या हुआ मैं बताऊं, 4 बार, एक बार तो राजस्थान पुलिस में और एक बार यहाँ आपके सेकंड ग्रेड में और एक बार शायद इसमें एलडीसी में जो राजस्थान अध्यक्ष बोर्ड के, उसमें राजस्थान के जो जिले हैं ना उनकी आकृति पूछ ली गई थी। तो मैं आपको मैन मैन बता दूँ, मैन मैन लिखेंगे जो काफ़ी अच्छी है। लिखो फर्स्ट लिखना है ऐसे, फर्स्ट नंबर हेडिंग लगा के लिखना ही हूँ, ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट नंबर लिखना आप अर्धचंद्राकार ऑब्लिक प्याले नुमा। देखो ऐसे अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा, वो है सीकर, ठीक है बिल्कुल। दूसरी लिखना इल्ली के समान चित्तौड़गढ़, यहाँ लिखना इल्ली के समान, इल्ली के समान चित्तौड़गढ़, ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर। लिखो जल्दी। अब देखो मयूर ध्वजगढ़ जो है ना जोधपुर में है, तो जोधपुर की जो आकृति है वो मोर के समान है, ठीक है। लिखो अंग्रेजी के अक्षर एल के समान, अंग्रेजी के अक्षर एल के समान, एल के समान किसकी है भाई? हनुमानगढ़। ठीक है बिल्कुल। लिखो
त्रिभुजाकार ट्राइंगल में किसकी है भाई? अजमेर। ठीक है लिखो। राजस्थान के समान ही आकृति, हाँ ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति राजस्थान के समान ही है लगभग? टोंक, मुस्लिम रियासत, नवाबों की नगरी। हाँ आयताकार कौन है भाई? भीलवाड़ा। त्रिभुजाकार कौन था भाई? तो आयताकार भीलवाड़ा। कश्मीर के समान संभाग लिखो नेक्स्ट। कश्मीर के समान संभाग उदयपुर संभाग, सॉरी कश्मीर के समान अजमेर है, हाँ श्रीलंका के समान है उदयपुर, बिल्कुल ध्यान रखना भैया। हो गया बिल्कुल। अब लिखो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला जो तस्तरी नुमा बेसिन यानी इस प्रकार से ऐसे ही तस्तरी के समान, तो लिखो उदयपुर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उदयपुर, लिख लिया भाई? ठीक है अब आप हेडिंग लगाओ, हाँ बड़े अक्षरों में बीच में, राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप यानी प्राचीन राजस्थान के किन किन जिलों को प्राचीन में क्या क्या नाम था। ठीक है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।